लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रेशन को डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है। एक साइन होता है जिसको बोला जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ना। यहाँ पे कुछ आप वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या आता है डी एक्स आता है, जिसमें हमने सबसे पहला रूल देखा था कि अगर वाई की जगह एक्स टू दी पावर क्या हो एन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है, यानी एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स। फिर से बोलो, एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है पावर में वन ऐड कर दीजिएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दीजिएगा। और याद होगा हम प्लस में सी लगाते थे और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि हम क्यों ये सी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक्स टू दी पावर फोर इंटू डी एक्स लिखें तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्स टू दी पावर, पावर में वन ऐड ना करना है तो इट विल बिकम एक्स टू दी पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव और प्लस में करके सी आएगा। ओए क्या कर रहे तुम, बड़ी मार मारेंगे, हंस रहा है। पावर में वन ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर फाइव बाई फाइव, क्लियर था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर सिर्फ डी एक्स ही रहे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, वन। डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है। क्यों? क्योंकि बाबू इसके बगल में एक्स का पावर जीरो ना छुपा हुआ है। ए याद है यहाँ पे डी एक्स के बगल में एक्स टू दी पावर फोर है लेकिन यहाँ डी एक्स के बगल में एक्स टू दी पावर कितना है, जीरो है। नियम यह होता है कि आपको पावर में वन ऐड करना है उसी पावर से डिवाइड करना है। तो जीरो में वन ऐड करोगे तो वन ही ना होगा और प्लस करके क्या लिखोगे, सी, इट विल बिकम एक्स प्लस सी। तो ये तो एकदम याद रखना है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना, एक्स प्लस सी। कौन याद रखता है, लेकिन एक्स ही याद रखो, प्लस ही तो लगा लिया जाता है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, बताओ डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो बताओ डी जेड का इंटीग्रेशन, और बाद में ठीक है प्लस सी अपना लगा लेना, ठीक है, क्लियर है। फिर हमने ये भी देखा था अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर और इंटू डी एक्स ऐसा लिखा हुआ रहे ना, तो हमने देखा था कि बारी बारी से हम हर टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा हाँ एक और चीज़ है, सॉरी, मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ रहे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पाव कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेंट नहीं करेगा और तो उसको ऐसे ही छाप देंगे और पावर में वन ऐड करके उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस ही लेंगे, याद है। हाँ तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेट तो उसको छाप दिया जाए और बाबू पावर में वन ऐड करके उसी पावर से डिवाइड किया जाए। माइनस है तो माइनस का साइन दिया जाए। टू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बोलो बाबू, एक्स, बोलो, एक्स का पावर टू बाई टू, जो भी पावर होगा उसे डिवाइड भी करना होगा, यही नियम होता है ना। चलिए यहां बताइए प्लस है, फोर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब क्या करें, तो यहाँ एक्स का पावर जीरो ना छुपा है तो पावर में वन ऐड करोगे तो वन और डिवाइडेड बाई वन, ना पावर वाला वन लिखा जाता है और ना डिवीजन वाला वन लिखा जाता है, तो मिला जुला का फोर एक्स ही ना रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको रट लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए कि अगर कोई अकेला कॉन्स्टेंट मिल गया, बोलिए ना, उसका डिफरेंशिएशन तो, लेकिन इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो बगल में आपको ये वाला वेरिएबल लिखना होता है। याद रखिए इंटीग्रेशन में हमेशा पावर एक बढ़ जाता है। यहाँ पावर कितना था, दो, तो यहाँ हो जाएगा तीन। यहाँ पावर, तो यहाँ दो हो जाएगा। यहाँ एक्स का पावर जीरो था तो यहाँ एक्स का पावर वन आएगा। डिफरेंशिएशन में पावर हमेशा एक कम होता है, इंटीग्रेशन में पावर हमेशा एक बढ़ जाता है, तो ऐसी बात है। लेकिन आपको प्लस में करके सी भी तो लिखना होगा, प्लस में करके सी भी तो लिखना होगा। अरे बोलो भाई, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या देखेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के जरिए ही देखते हैं, ठीक है। सुनिएगा, अगर मान लीजिए कभी बोला एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करिए फ्रॉम वन टू टू, ये लोअर लिमिट है, याद है ये क्या है,
अपर लिमिट है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, बोलो ना, फ्रॉम वन टू टू। मान लो यहाँ हाथी हो यहाँ घोड़ा हो तो बोलेंगे फ्रॉम हाथी टू घोड़ा, मैंने ये इंटीग्रेशन आपको हाथी से लेकर कहाँ तक तो करना है, घोड़ा तक तो करना है, ऐसा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, एक बार में कोशिश करिएगा समझने की। सबसे पहले तो जैसे इंटीग्रेशन हमको आता है हम वैसे करेंगे। आप बताइए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या आता है, एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर आता है बाबू, हो गया। इसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता है, और फिजिक्स में 99% केस में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं, यानी फिजिक्स में हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं लिखा जाता है वो मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, बस याद रखिए कि इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। जो आंसर आएगा उसको एक बड़े से ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, समझ रहे हो, बड़े से ब्रैकेट में आप इसको पैक कर दीजिएगा। ये जो नीचे वाला लिमिट है उसको लिख दीजिएगा नीचे, तुम ध्यान दे रही है, नीचे वाला लिमिट कहाँ लिखेगी, नीचे, और ऊपर वाला लिमिट कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। स्टेप समझ में आ रहा है, पहले क्या करना है बताओ, पहले तो इंटीग्रेट करना है, और जो रूल हमने सीखा है उसी रूल के तहत इंटीग्रेट करेंगे, बस इसमें प्लस सी हम नहीं लिखेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम बड़े से ब्रैकेट में डालेंगे, अरे बोलिए, नीचे वाला लिमिट विल बी नीचे एंड ऊपर वाला लिमिट विल बी ऊपर। अब अगर कोई कांस्टेंट कॉमन हो के बाहर निकल रहा है आप उसको बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं भी निकालिएगा आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कोई कांस्टेंट आपको लग रहा हो इसमें जो बाहर निकलना चाह रहा हो, अच्छा तुम कह रहे हो 1/4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया जाए, एकदम सही बोल रहे हो, तो बाहर निकाल लो, लो 1/4 को, अंदर में x टू दी पावर 4 1 से लेके 2 बचा क्या, बोल नहीं रहे हो तुम, हाँ ठीक है ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है तो x कहां कहां है, एक दिन ऐसे ही एक स्टूडेंट से पूछे कि कहां है x कहां है, तो कह रहे सर बहुत दिन से बात नहीं हुआ है सर नहीं पता है तो मैं कह रहा हूँ बाबू कि जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे पहले तुम क्या रखो, ऊपर वाले लिमिट को रखना, फिर माइनस का साइन देखे हम उसकी जगह पे नीचे वाले लिमिट को रखते हैं। मैं समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, अब इस एक्स की जगह पे किसको रखेंगे, पहले ऊपर वाले लिमिट को ना बाबू, तो ये 2 to the power कितना हो जाएगा, माइनस का साइन देखे, फिर हम एक्स की जगह पे नीचे वाले लिमिट को रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आप बताइए तो ये 1/4 तो खैर है ही, और 2 to the power 4 कितना, 16 ना, और माइनस 1 to the power 4 कितना, 1, ये 15/4 आया, बताओ एकदम एक डेफिनेट आंसर आया कि नहीं। 15/4 एक नंबर ना है, कांस्टेंट है, एक डेफिनेट वैल्यू है, इसीलिए हम ऐसे इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाती है। अच्छा ये तुमको सही में समझ में आ गया है? तो मैं अगला वाला ये अगर तुमको बोलूं करने के लिए कर लोगे, या कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर थोड़ा एक बार और समझा दीजिए, वंस मोर, चलो ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट, बोलिए, हाँ फर्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट, पहला स्टेप है आप इंटीग्रेट करिए। यू नो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स कितना होगा, एक्स टू द पावर 4/4, एनी डाउट, अरे बोलो। फिर द सेकंड स्टेप इज टू पुट दिस आंसर इनटू अ ब्रैकेट, हिंदी में बोल देता हूँ, सेकंड स्टेप है इस आंसर को कहाँ रखना है, ब्रैकेट में, फिर नीचे वाले लिमिट को नीचे और ऊपर वाले लिमिट को कहाँ, ऊपर रख लीजिए, ठीक है, नीचे वाले लिमिट को कहाँ, नीचे, ऊपर वाले लिमिट को ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसमें से अगर कोई कांस्टेंट कॉमन हो के बाहर निकल रहा हो तो निकालिएगा, वेरिएबल को बाहर नहीं निकालना है। तो आपने कहा कि सर 1/4 तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकल गया तो x टू द पावर 4 अंदर बचा। हाँ अब मेन काम सुनो, ये है
जहां जहां वेरिएबल है ना, तो यहां पर तो एक ही जगह ना है। अरे वेरिएबल का मतलब एक्स, वहां ऊपर वाले लिमिट को रख देना। अरे बोलो यार, फिर माइनस का साइन देना और फिर किसको रख देना, नीचे वाले। तो बताओ एक्स की जगह मैंने किसको रख दिया, टू को। अरे तो टू टू दी पावर फोर नहीं हो जाएगा, फिर माइनस का साइन देके एक्स की जगह पे वन रख दीजिएगा, वन टू दी पावर फोर हो गया। टू टू दी पावर फोर 16 होता है, वन टू दी पावर फोर तो खैर वन ही रहेगा, 16 में से एक गया 15, द आंसर विल बी 15/4। कितने लोग का वो सेकंड वाले का आंसर आया? नहीं नहीं ट्राई करिए, चलिए मैं रुक जाता हूँ, आराम से ट्राई करिए। कितना बाबू? 24, 24। चलो तो एक आंसर आया है 24, और बताइएगा 10। चलो एक आंसर आया है 10, और बताइएगा 0। 10 ही आ रहा है, आराम से बाबू। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। क्या आपको इसको इंटीग्रेट करने आता है? एकदम करिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, कोई कांस्टेंट कॉमन हो के बाहर निकल रहा होगा तो निकाल दीजिएगा, नहीं निकल रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, घबराइएगा मत, नहीं निकल रहा छोड़ दीजिएगा। फिर ऊपर वाले लिमिट को रखिएगा जहां जहां एक्स है, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाले लिमिट को रखिएगा जहां जहां एक्स है। और अगर किसी को मेरी मदद चाहिए तो हाथ उठाइएगा, मैं वहां आ जाऊंगा। तुम कहाँ ट्राई कर रही, इसका इंटीग्रेशन आता है? बैठो मैं आ रहा हूँ, हैं? हाँ करो, बोलो, बैठे रहो, हाँ एकदम सही किया। अरे पागल तो तुम, इसको ब्रैकेट में कहीं ही डालता है, मैंने वैसे मैं रफ अफेयर क्या होता है, हद आदमी है। डालो इसको माइनस वन वन, अब क्या करेगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे माइनस वन डालो, तो क्या होगा, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर होगा। फिर लेकिन फोर का इंटीग्रेशन फोर एक्स ना होता है, सब गड़बड़ शॉर्टबड़ चल रहा है, समझा? फिर माइनस का साइन दो, है ना, और जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे वन रखो। नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह वन रखो ना, तो वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन, फिर अब माइनस, हाँ आज जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे माइनस, तुम्हारा फोर कैसे आ गया? तो तुम गड़बड़ा नहीं दिया है, लाओ इधर, तुमको माइनस करना है, पूरा ऐसे ना करना है, समझा क्या? तब उसमें से पूरे को माइनस करना है, तुम बस एक ही टर्म माइनस किया है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आया, सबसे पहले तो ये बताओ कि फोर तुम कॉमन निकाल कैसे लिया, क्या ए पागल, तो फोर इसमें सब में है, इस फोर के बाहर निकल के आने का मतलब है कि अंदर जाएगा तो तीनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ भी फोर होता है यहाँ भी, तब ना कॉमन निकलता है। इसको काटो यहाँ से, यहाँ फोर लिखो, अब देखो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह किसको रखो, वन रखो, तो वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन, फिर माइनस का साइन दो, आप फिर माइनस वन रखो, बस आंसर आएगा। कितना आ रहा है? रुको ना, तो पहले क्या किया तुम, पहले मान लो कि तुम कितना महान आदमी है कि वन का क्यूब थ्री होता है क्या, वन का क्यूब थ्री लिखा है, हाँ करो ठीक है। 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, बना रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है तुमको, तो नीचे वाला लिखो ना, नीचे क्या है, माइनस वन है, माइनस वन लिखो, माइनस वन लिखो, ठीक है। तुम लोग का क्या हालचाल है, समझा देना बगल वाले को, हाँ आया तुम लोगों का, कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है तुम, ऐसे नहीं करना है कि एक्स की जगह पे यही पे वन और फिर यहीं पे माइनस वन, नहीं डाल देना पहले एक्स की जगह पे, हर जगह क्या डालना है, ये फोरेस बाई एक्स कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, समझाना तो फोर का इंटीग्रेशन जस्ट फोर एक्स ना होगा,
चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। 10 आ रहा है, क्या आ रहा है? ये कितने लोग का? 24 आया है, 24। 24 कितने लोग आया है? खाली तुम्हारा आया है 24। और कितने लोग का? 10 आया है। अच्छा, 10 में तो बहुत लोग हैं, और बाकी लोगों का नहीं आया है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, सुनिए पहले तो ये। अच्छा, और भी कुछ आया है क्या? 9 कितने लोग आया है? अच्छा, 9 में 3 लोग हैं, चलिए ठीक है। बोलिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना था? 3x² प्लस 2x प्लस 4, और इसको इंटीग्रेट करना था -1 से लेके +1 तक। बोल नहीं रहे हो? ऐसे करना था? अच्छा ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट किया जाए ना। तो बताइए, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तुम्हारा कितना आया था? आया ही नहीं। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 4 इंटू कितना है? सब समझ में आ रहा है? हाँ, अभी क्या है कि हम इसको बड़े से ब्रैकेट में डालेंगे ना, और नीचे वाला लिमिट नीचे, ऊपर वाला लिमिट ऊपर, ऐसा ही ना करते हैं। अभी क्या है यार, 3 से 3 और 2 से 2 तुमसे कटेगा नहीं क्या? तो मिला जुला के मतलब इसको ठीक से अगर लिखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x फ्रॉम -1 to 1 ऐसा जाएगा। अब हमको क्या करना है, कोई कांस्टेंट अगर कॉमन हो के बाहर निकल रहा है तो निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 होता, यहाँ 12 होता, तो हम 4 को बाहर निकाल लें। नहीं मैंने, ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि इसको छोड़ दोगे तो आंसर गलत आएगा, समझ रहे हो? तुम कांस्टेंट को बाहर नहीं भी निकालोगे आंसर सही आएगा, लेकिन क्या होता है ना, कॉमन निकाल लेने से ना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कांस्टेंट जो तीनों में से कॉमन होकर बाहर निकले, तो छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 डालिए। तो बताइए, सबसे पहले हम यहां 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब होगा ना, है नहीं? बोलता है रे, प्लस 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 × 1 होगा। अब माइनस का साइन दीजिए। अब क्या करिए, माइनस का साइन दीजिए। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे -1 डालिए। तो बताइए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 × कितना? -1, ऐसा हो जाएगा, 4 × -1 हो जाएगा। क्या अब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ये तो पहला दूसरा का बच्चा भी सॉल्व करके बता देगा कि ये कितना हो गया, 2 × 4 कितना? 6 माइनस, ये बताइए तो, -1 का क्यूब -1 ही ना होगा? ऑड पावर जो होता है, किसी भी नेगेटिव चीज का ऑड पावर नेगेटिव में ही आता है, तो -1 आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? +1, और ये -4, इसे ये कट जाएगा, -1 मिल गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 10 आंसर आ रहा है इसका। तो कैसे, जिन लोगों का गलत हुआ समझ में आए उन्होंने कहाँ गलती की है? कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि कुछ लोग ये वाला ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट ना देना एक ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ इसको घटा रहे हैं बाकी सबको जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा थोड़े हैं। हम इसमें से इस पूरे को ना घटा रहे हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, दोबारा पूछना होगा पूछ लीजिए। अच्छा, तो एक और मैं दूंगा, तो अब मैं उम्मीद करूं 100% लोगों का आएगा, सही में ना? चलिए ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं मैं, क्या लिखूं बताओ ना, तुम ही बोलो। 5 लिखूं? चलो 5। एक्स का पावर कितना दे दूं? 4 दे दूं, बहुत तुम लोग होशियार आदमी है, तुम लोग 4 इसलिए दिया है ताकि 5 नीचे कट जाए ना, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखूं बताओ, उसके बाद छापवा ना, तो वही छापवा दो नहीं, सब बेवकूफ़ बनाता है ना, क्या बताएं हम। तो 6x³ दे देते हैं, लो 6x³ दे देते हैं। अच्छा, स्क्वायर दे दें, स्क्वायर चाहते हो, लो स्क्वायर कर लो, प्लस कर देते हैं 7x कर देते हैं, और -9 कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत है? और इंटू डी है, अब कहाँ से कहाँ ले जाएं बताओ? चलो 1 से 2 ले जाते हैं, 1 से 2, चलो 1 से 2, माइनस का झंझट हटाते हैं 1 से 2, और ये तुम्हारा आ जाना चाहिए सबका,
क्यों, कौन बनाया है ये? ये कौन बनाया है? गुड, कितने लोग आंसर आ गया? अरे यार क्या तुम लोग, इतना देर में आंसर नहीं आएगा? ढेर भारी कर दिए हैं क्या हैं? ना इतना तो हम कोशिश किए हैं कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना जाए कम से कम। कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जा रहा है क्या? ओ जा जा जा, तो अब जब जब दे दिए तब रहने दो। अब काहे के लिए यहाँ हमको कुछ ये करना चाहिए था ना, कोई इवन नंबर देना चाहिए था, 8 दे देना चाहिए था, लेकिन लेकिन अब दे दिए तो दे दिए है कि नहीं? आ गया। जल्दी जल्दी एकदम जल्दी करिए। कितना आ रहा है? 12। अच्छा ठीक है, हाँ और बताओ कितने लोगों का क्या आ रहा है? कितना कितना? 37/2, तो किसी का 12 आ रहा है। बारह आ रहा है किसी का, 37/2 आ रहा है। अच्छा आ गया। रुक जाओ थोड़ी देर में इसको चला दें, थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ आंसर इसका क्या है बताइए? 37/2 कितना आ रहा है? शांत रहो, कितने लोगों का 37/2 आ रहा है? अच्छा ठीक है, कितने लोगों का 12 आ रहा है? तुम्हारा आया है, और बाकी लोगों का क्या आया है? 29/2।
तो एक और आंसर आ रहा है 29 बाई क्या 2। ये कितने लोग आ रहा है, किसी का नहीं और कोई, बाकी लोग क्या अभी ट्राई कर रहे हो, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, करो करो जल्दी करो। देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना, कैलकुलेशन स्मार्टली करना, ठीक है। थर्टी सेवन बाई टू आ रहा है, ठीक है, चेक करें क्या। तो थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन जो है बता दीजिएगा क्या था। 5x⁴ था, -6x² था, +7x-9 को इंटीग्रेट करना था, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो 5x⁵ ऐसा ना होगा, 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करेंगे, -6x³⁷+7। अच्छा यही जो है ये कट नहीं रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया होगा। अब -9x और कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 1 से लेकर 2 तक। इसको ये कट जाएगा, ये दो बार में जाएगा, तो मिला जुला के x⁵-2x³+7x²-1 to 2। अच्छा अच्छा ये बाई टू छूट गया, सॉरी, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई चीज अगर कॉमन हो रहा हो तो होने को तो देखो ना, इसमें 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 एक्स तो कॉमन हो रहा है, लेकिन वेरिएबल को बाहर नहीं निकालना होता है। कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट कॉमन होकर बाहर निकल रहा है, हमको नहीं लग रहा, छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां एक्स है बस उसकी जगह ऊपर वाला, तो क्या किया जाए बताओ, 2 का पावर 5 -2 × 2 का पावर 3 + 7 × 2 का पावर 2 और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, और -9 × क्या रे बच्चों 2 हो जाएगा, माइनस का साइन दिया जाए। अब जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे 1 रखा जाए, तुमको स्टेप समझ में आ रहा है ना, अरे बोलो ना, ठीक है बाबू। तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह 1 रखा जाए, तो 1 का पावर 5 -2 × 1 का क्यूब + 7 × 1 का स्क्वायर / 2 - 9 × कितना बता दो ना, इसको तो सॉल्व करना है। हमको लग नहीं लग रहा है कि उतना भी कोई खराब कैलकुलेशन आएगा, हमको लगा ढेर प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि तो वैसे भी दिख रहा है कि एक टू तो खत्म हो जाएगा, उधर वाला ने एक टू नहीं खत्म हो पा रहा है। तो बाकी बताओ ना, 2 का पावर 5 = 32 नहीं होता है, और माइनस, हाँ ये 8 × 16 हो जाएगा, और +7 × 14, 9 × 18, माइनस का साइन दीजिए, 1 का पावर 5 - 1 कितना, अरे 1 का पावर कुछ भी रहे वो तो 1 ही होता है, तो -2 + 7/2 और माइनस कितना 9 है ना बाबू। अब बताओ ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो तुम ऐसा नहीं यहीं आकर लटक गया है कि 12 तुम्हारा आंसर आ रहा है, यही तक आकर रुक गया था, जब आदमी है माइनस, इसको घटाना भी तो पड़ेगा। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, नहीं 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 एक मिनट शांत रहिए, अगर आप इस पूरे को एक साथ कैलकुलेट करें तो बेवकूफ हैं आप। पहले बताइए 1 - 2 कितना, -1 और -10। तो आप इसको लिखिए पहले -10 + 7/2, उसके बाद हाई बताइए माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो 12 + 10 कितना 22 और -7/2, आप समझ रहे हैं। आप यही पे इसको अगर जोड़ लेते ना, तो 2 बार आपको फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रुक जा एक मिनट रुको ना, बात समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब बात यह है कि 22 × 2 कितना है 44, 44 में से 7 गया 37 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 37 / 2।
टू। तो कितने लोगों का ये नहीं आया था? हाथ उठाई, ईमानदारी से हाथ उठाओ। तुम्हारा क्या था? 37/2। इतने लोगों का नहीं आया था, ये कैसे हो गया भाई? तो मतलब क्या चाहते हो कि एक एक फिर से दिया जाए ऐसा? ये क्या बात हुई? अच्छा, कितने लोगों नहीं समझ में आया? अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये हो जा रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिए, एक काम करते हैं। हालांकि 2-3 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है ना, तो वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप घर से करके लेके आएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर से करके लगेगा, कल मुझको आप उसका आंसर बताइएगा। हम ना कुछ थोड़ा सा अब फिजिक्स पढ़ने आए हैं, फिजिक्स से भी रिलेटेड बीच बीच में देखते रहते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, बोलो ना। हाँ, तो थोड़ा सा 9th क्लास याद करिए। मोशन पढ़ा था हम लोगों ने, याद है मोशन पढ़ा था? उसमें शांत रहो बाबू, उसमें हमने पढ़ा था कि हाँ 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। याद आया? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को डिनोट किया जाता था कैसे, बताइए ना, यू से। याद आया बाबू? यू से डिनोट करते थे, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि ये टी इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है, यानी ऑब्जर्वर ने अभी अभी अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। ऑब्जर्वर ने याद है ये स्टॉप वॉच वाला बात मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, बोलो, तो वो अपना स्टॉप वॉच ऑन करता है। स्टॉप वॉच ऑन करेगा, समय की शुरुआत होगी 0 से। अब मान लीजिए ना कि इसमें एक्सेलरेशन है, क्या है एक, और वो एक्सेलरेशन कैसा है बाबू? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन है और वो भी कैसा है? कांस्टेंट है। देखो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे इस पेन को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये पेन कहाँ जाता है? नीचे जाता है। बोलो किसकी वजह से नीचे जाता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, धरती जो है इसको अपनी तरह खींच रहा है। और याद रखना, जहां फोर्स आएगा वहां एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि बचपन में तुमने बिल्कुल पढ़ा है एफ बराबर एम ए। बोलो याद है कि नहीं? कुछ भी याद नहीं होगा, ये तो याद होगा। एफ बराबर क्या? जहां फोर्स है समझ जाना वहां एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। जैसे मान लो कि हम गाड़ी से चल रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब हमको इसको बदलने का मन है, हमको इसको 50 किलोमीटर पर आवर करना है, तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेटर घुमाते हैं। तो एक्सेलरेटर का मतलब ही हुआ कि ये गाड़ी को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। गाड़ी को एक्सेलरेट करने का मतलब हुआ कि ये इसकी वेलोसिटी को अब चेंज करेगा। इसीलिए थोड़ी देर घुमा देने से थोड़ी देर बाद 45 दिखाएगा, थोड़ी देर बाद 50 दिखाएगा। तो तुम बताओ कि अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो क्या अभी भी वेलोसिटी यू ही रहेगा कि अब कुछ बदल जाएगा? माने आफ्टर सम टाइम, मान लिया जाए कि किसी टी टाइम के बाद, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड के बाद, अरे बोलो भाई, वेलोसिटी वही यू रहेगा कि कुछ बदल जाएगा? कुछ बदल जाएगा। इट शुड बी समथिंग क्या? वी। तो यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वी हो गया फाइन। याद आया? बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कितना है? ए है। और टाइम कितना लगा है? टी टाइम लगा है। मतलब ये जो घटना है वो टी टाइम के बाद की घटना है। अच्छा, इस दौरान कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पे है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है?
डिस्प्लेसमेंट इतना ही ना हुआ है जी। ए जी, शुरू में यहाँ था, अब बाद में वहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एकदम सीधे मिला देते हैं, हो गया डिस्प्लेसमेंट। कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते थे? डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग हिंदी में विस्थापन कहते हैं, कैसे डिनोट करते थे? ओहो, एस से डिनोट करते थे क्या? ठीक है, तो बाबू इनिशियल वेलोसिटी यू, प्रारंभिक वेग यू, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग वी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण ए, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एस, और समय लगा है कितना? टी टाइम लगा है। क्या बोलते हो? चलो कुछ टाइम पास करते हैं। पहले बताओ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब तुमको पता चलेगा कि कैसे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब यूज होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या हम लोग डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं? अरे बोलिए तो सही, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो डिफरेंशिएशन है जी। मेरा मन है कि हम इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा? सांप छोड़ दे क्या अभी? ये यहाँ और यहाँ सांप छोड़ दें? ना बाबू, ऐसा नहीं। देखते हैं कौन कौन होशियार आदमी बताएगा कि क्या करना चाहिए अभी हमको। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि यहाँ वेरिएबल कौन कौन है? वेरिएबल कौन कौन है? ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी और ये टाइम वेरिएबल है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। हे भगवान, इसी पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो जिस समय छोड़ रहा हूं इस समय इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद 10 मीटर पर सेकंड, ये जितना नीचे जाएगा बताइए इसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी कि नहीं? तो समय वेरिएबल, और समय हमेशा वेरिएबल होता है। समय आपके कहने से नहीं रुक जाएगा, समय वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है? वेलोसिटी, क्योंकि हम तो लगातार एक्सेलरेट ना कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बाकी ए जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो हियर वी एंड टी आर वेरिएबल्स। और एक और बात है, मैंने ये भी कहा है कि जिसके साथ डी लगा रहे वो तो वेरिएबल होता ही है, बोला है मैंने, जिसके साथ डी लगा रहे वो तो वेरिएबल, क्योंकि ये डीवी का मतलब क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन वी, और डीटी का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन टी। अब अगर किसी चीज में चेंज हुआ है, छोटा ही सही लेकिन चेंज हुआ है, तो वो चीज वेरिएबल ही ना होगा। तो अगर कोई पूछेगा कौन कौन वेरिएबल है इसमें, क्या बताओगे? वी और टी वेरिएबल है। इंटीग्रेशन हमको करना है, क्या करे? कौन हाथ उठा के बताएगा कि सर आप फलाना काम करिए? चलो बोलो। वो कह रहा है कि डीटी को सर उधर लेके, ऐसा बोल रहे हो ना तुम, डीटी को सर उधर लेके जाइए, क्योंकि सर आपने कल ही कहा था कि इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में होना चाहिए, माने एक साइड में कोई एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। अरे बोलो भाई, तो डीटी को इधर लेके जाए हम, तो इधर में मिलेगा हमको डी वी और ए इंटू क्या मिलेगा? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टाइम पास, है कि नहीं? हमको ऐसे मन किया कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन डीवी बाई डीटी होता है तो लिख दिए, फिर मन किया कि यार रुको इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आना गया है, अब इंटीग्रेट किया जाए, तो फिर इधर ले गए। अब बताओ ना हम क्या करें? अब हम सांप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर भी आपको डी समथिंग, इधर भी आपको डी समथिंग मिल रहा है। याद रखिएगा, सांप आप तभी छोड़ सकते हैं जब दोनों साइड में डी समथिंग टाइप का कुछ रहे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, और उसके बाद सांप छोड़ने से बढ़िया यही पे सांप छोड़ दिया जाए। क्या बोल रहे हो? बोलो। अब हमारा काम होगा लिमिट रखने का। नहीं सुन रहे हो? वो लड़की नहीं सुन रही है, वो आत्ममुग्ध हो गई है, उसको लग रहा है खाली बायोलॉजी पढ़ लेने से, बाबू ऐसा नहीं होता है, खाली बायोलॉजी पढ़ने से नीट में सिलेक्शन नहीं होता है ना? पर एक बार हुआ क्या ना, कि एक टीचर पढ़ा रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहा था, नहीं हम अपना एग्जांपल नहीं देंगे, एक टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो
एक होता है ना ड्रॉपर बैच होता है, तो आपको पता होगा नीट का प्रिपरेशन लोग 5-5, 7-7 साल करता है। नीट के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि नीट 2021 में या 22 में, शायद 22 में ही, एक 64 साल का आदमी भी अपीयर हुआ था, रिटायर्ड था वो किसी जॉब से, वो भी नीट का एग्जाम दे सकता। तो नीट का कोई अपर लोअर लिमिट होता है कि आप 17 साल के से ज़्यादा होने चाहिए जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं। तो वो ड्रॉपर था, वो 3-4 साल लगातार ड्रॉप किया था, वो कोटा पढ़ा था, कहीं पढ़ा था ऑनलाइन ऑफलाइन, आके पढ़ रहा था और टीचर बेचारा फिजिक्स पढ़ा रहा था। अब वो अचानक से उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बढ़ गया। वो खड़ा हुआ और लगा चिल्लाने कि सर ये क्या तमाशा है। अब टीचर बोला कि क्या तमाशा है भाई, तो सर हम पता किए हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो 4-5 साल का MBBS होता है उसमें कहीं कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ना है, कोई एफ बराबर MA नहीं, कोई एस बराबर UT+ ½ AT² नहीं, खाली क्या पढ़ना है बायोलॉजी और थोड़ा बहुत उसमें यूज होगा केमिस्ट्री, दवाई वाई है तो सब केमिकल ही ना है, फिजिक्स कहीं नहीं है, मैंने बहुत पता किया है। तो फिर आखिर क्यों हमको ये 2 साल फिजिक्स पढ़ाया जाता है, जेन्युइन बात है, भड़कने का रीजन भी उसका सही है, है? सर आपको पता होना चाहिए कि हम 4 साल से ड्रॉप कर रहे हैं और खाली बस एक ही सब्जेक्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, वो कौन है, फिजिक्स की वजह से। अगर फिजिक्स हट जाए तो आज हम सर टॉप 100 में आ जाएंगे, मेरा सब बायोलॉजी क्लियर है, सब केमिस्ट्री क्लियर। और आपको पता होगा कि जैसे अगर आपका सिलेक्शन होना है तो मिनिमम 600 नंबर तो आना चाहिए, तो फिजिक्स अकेले 150 नंबर का होता है, अरे होता है ना, तो पूरा फिजिक्स भी अगर छोड़ के और 100% भी नंबर ला लोगे ना तो अभी तुम्हारा आएगा कितना, 580 नंबर ही ना आएगा, सॉरी 570 नंबर आएगा, तो उतने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बहुत भड़कने लगा, वो एकदम चिल्लाने लगा कि क्या जब फिजिक्स हम लोग को आगे चल के पढ़ना ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता है, मेरा सिलेक्शन 4 साल से रुका हुआ है। तो टीचर बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स तुम्हारे लिए बेकार सब्जेक्ट है, मेडिकल के लिए बेकार सब्जेक्ट है, फिजिक्स लोगों की जान बचाता है, फिजिक्स लोगों की जान बचाता है। तो स्टूडेंट ने पूछा सर कैसे, तो टीचर ने कहा तुम जैसे गधों को मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक के। ये बात समझ में आया? हाँ, तो अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए फिजिक्स नाम का हर्डल आपको पार करना ही पड़ेगा। जिसका फिजिक्स बढ़िया हो गया उसका सिलेक्शन बहुत ही स्मूथली हो जाता है। अब पता करिएगा, जो लोग भी ड्रॉप ले रहे होंगे ना, पता करिएगा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है, फिजिक्स है, रोक के खड़ा है, तुमको मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी से कुछ नहीं होने वाला है ना, ठीक है। अब बताओ, छोड़ो ना, आओ इधर देखते हैं हम, सुनिए, मैंने कहा कि दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, सांप छोड़ देंगे। अब हमको लिमिट रखना होता है, क्या करना होता है, लिमिट रखना होता है। तो लिमिट रखा जाता है वेरिएबल के आधार पे। इधर में वेरिएबल कौन है, इधर में वेरिएबल कौन है, टी है। अरे यार तुम लोग, लग रहा है तुम लोगों को कभी विकराल रूप दिखाना पड़ेगा, हैं? दिखाऊं क्या विकराल रूप, लिमिट रखना है। लिमिट किसके आधार पर रखा जाता है, वेरिएबल के आधार पे। बोलो, इधर वेरिएबल कौन है, तो टाइम के आधार पर लिमिट रखा जाएगा। तो बताइए टाइम शुरू में कितना था, अब बाद में कितना हो गया है। हम ये पूरी कहानी 0 से लेकर T टाइम तक के बीच में ही ना देख रहे हैं, यही चीज लिमिट बनता है, फ्रॉम 0 to क्या T, समझ में आई बात। चलिए इधर बताइए वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी ना वेरिएबल है, तो बताओ वेलोसिटी शुरू में कितना था, अब बाद में कितना हो गया, यही चीज बनेगा लिमिट U से लेके। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि T = 0 पे भी बराबर कितना है, माने T = 0 पे वेलोसिटी कितना है, यू है, सही बात है भाई, T = 0 पे वेलोसिटी यू ही ना है, और T = T पे वेलोसिटी कितना है, भी है, समझ में आया, सही बात है, T = T पे वेलोसिटी कितना है। अब आप बोलिए कि dv का इंटीग्रेशन कितना, अरे dx का इंटीग्रेशन कितना है,
अरे dx का इंटीग्रेशन कितना, dy का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन भी होगा, बहुत अच्छा। तो dv का इंटीग्रेशन v, अरे होगा ना v स्क्वायर, dx का x, dy का y, d हाथी का हाथी, तो dv का भी, और ये हो जाएगा फ्रॉम u टू v। तुमको समझ में आ रहा क्या किया मैंने, बराबर का साइन दिया जाए। अच्छा ये a क्या है जी, a क्या है, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्टिसिपेंट, जो बाहर निकाल दें, निकाल दो बाहर, अंदरों में क्या बच गया, खाली dt बच गया, फ्रॉम जीरो से कहाँ t, तुमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक बार में समझ लें, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब क्या करें, इस v की जगह पे पहले ऊपर वाला रखें, देखो भुला गया सब, अब ब्रैकेट में हम डाल दिए, ऊपर नीचे लिमिट रख दिया, अब अगला स्टेप यही ना होगा कि v की जगह पे ऊपर वाला रखेंगे, तो v माइनस का साइन देखें नीचे वाला रखेंगे, याद आ रहा है, आई बताओ, a तो a है, और dt का इंटीग्रेशन, हाँ dv का v, dt का t, मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा यही यूज होता है, कल ही बोला था मैंने, सबसे ज्यादा यही वाला कॉन्सेप्ट यूज है। तो dt का इंटीग्रेशन t, एंड फ्रॉम कहाँ टू कहाँ, जीरो टू t, तुमको समझ में आया, हाँ। अभी तुम बताओ v माइनस u बराबर a, अब जहाँ t है उसकी जगह पे पहले क्या रखेंगे, t, समझ में आ रहा है ना, माइनस का साइन देखे जीरो रखेंगे, आई आ जाएगा तुम्हारा v माइनस u बराबर a इंटू t, और क्या हम इसी को इधर लेके जाएंगे, तो ये बन गया v बराबर u प्लस a t, ऐसा कुछ याद आया, v बराबर u प्लस a t याद आया, नौवा क्लास में पढ़ा था, उस समय तो बस हमने पढ़ लिया था कि ऐसा होता है, आज हमने उसको डिराइव करके देख लिया कि ऐसा क्यों होता है, सही है, अरे बोलो भाई। चलो एक और बात बताओ, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हम वेलोसिटी को ds by dt लिख सकते हैं, अरे तो एक काम करिए ना, इस वेलोसिटी की जगह पे लिख दीजिए ds by dt, नहीं समझे ना, खाली v की जगह हम लिख दिए ds by dt, अब बाकी सबको तो यूं ही, एक मिनट हम कुछ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस भी की जगह पे लिख रहे हैं, भी की जगह पे लिख रहे हैं, भी का मतलब ही होता है ds by dt, बस इस भी को भगाइए यहां से और इसकी जगह लिख दीजिए ds by, तो ds by dt कितना हो जाएगा u प्लस, अब क्या मन कर रहे थे तुम लोगों का, क्या किया जाए अब इसके साथ, हम लोग टाइम पास ही ना कर रहे हैं, तो बताओ अगले स्टेप में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। अच्छा अब आपका मन है कि सर इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम सेम टाइप के, देखिए मैं आखिरी वार्निंग आपको दे रहा हूँ, लास्ट का दो बेंच जो है, पहले बाबू एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी हादसे से बचना चाहते हो ना, तो लास्ट में बैठने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी को पढ़ने लिखने से बहुत मतलब होता है, तो वो आखिरी बेंच पर, सेकंड लास्ट बेंच पर वो नहीं बैठेगा, आखिरी बेंच पर वही लोग बैठते हैं जिनको पढ़ने लिखने से उतना मतलब है नहीं, क्लास में वो नॉनसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं, जो काम आगे बैठ के थोड़ा मुश्किल है, आगे बैठ के करोगे तो टीचर को सुनाई देगा, है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं भी कभी बैठा करता था पीछे, तो मैं जो सोच के बैठा करता था तो मुझको पता ही है, बीच बीच में कुछ कमेंट करना है कि टीचर तक बात ना पहुंचे, है कि नहीं, तो कभी दिमाग खराब होगा ना तो लास्ट वाले लोग भुगत लेते हैं, क्योंकि मान लो कि अब हमको भी देख रहे हो उतना, हाँ मैंने उतना बॉडी वॉडी तो है नहीं कि अब वहाँ से लेकर यहाँ तक सबको हम पीट, एक दिन पीट दिए थे दूसरे 12th क्लास में गलती से, 3 दिन तक खुद मेरा हाथ दर्द कर रहा था, समझ रहे हो, 3 दिन यहाँ तक ढंग से उठ नहीं रहा था, है ना, तो अगर हमको लगेगा कि क्लास में आप डिलीबरेटली नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, मैं कुछ इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको पीट दूंगा, मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा बताइए एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चाहे वन अपॉन एक्स का, नहीं नहीं ठीक है ऐसे मत करो, पूछूंगा, और मैं मान लो पहला का जवाब दे दोगे तो मैं कोई दूसरा पूछूंगा, उसका जवाब दे, कितना जवाब दे पाओगे तुम, आप समझ रहे हो, और उसके बाद तब समझ लेना,
ठीक है तो हाँ बताओ क्या करें हम लोग अब, अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में होना चाहिए। पहले तो बताओ इस पूरे फोटो में वेरिएबल है कौन कौन सा। तो सुनो, जिसके साथ डी लगा होता है वो तो वेरिएबल एकदम होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, और एकदम सही बात है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ना होगा। जैसे मान लो 5 सेकंड में यहाँ है तो 10 सेकंड में भी यही थोड़े रहेगा, 10 सेकंड में कहीं यहाँ ना पहुंचेगा। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा, बदलेगा का मतलब वो चीज़ वेरिएबल है, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा। तो टाइम भी वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल, और इसीलिए देखो तो उनके सामने डी भी लगा हुआ है। बाकी ए क्या है, कांस्टेंट है। मैंने शुरू में कह दिया है कि ए जो है वो कांस्टेंट है। जैसे जब इस पेन को छोड़ा जाता है, नीचे गिरता है, तो इसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। आपको नहीं लग रहा है ये कांस्टेंट चीज है, जा हाँ, तो ये कांस्टेंट। और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो कोई कांस्टेंट ही ना होगा। जैसे इनिशियल वेलोसिटी किसी ने कहा 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट चीज ही ना है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। अरे बोलो भाई, लेकिन यू और ए कांस्टेंट है, तो बाबू वेरिएबल कौन है, एस और टी। तो सब टी को एक साइड करो, सब एस को एक साइड करो। तो उसके लिए बस इतना करो कि तुम डी टी को इधर भेज दो। बच्चों डी टी को इधर भेज दोगे, बताओ इधर क्या बचा, डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी आएगा क्या, यू प्लस ए टी इंटू डी टी आएगा, यू प्लस ए टी इंटू क्या बताना बाबू, डी टी, ऐसा ही ना आएगा। अच्छा अब खुद आप बताइए, देखिए एक चीज समझा देता हूँ मैं। सबसे ज्यादा डरावना अगर फिजिक्स में कुछ होता है तो वो होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, आप यकीन मानिए बहुत सारे आपके सीनियर पास आउट हो गए होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि फिजिक्स में कहाँ डिफरेंशिएशन यूज होता है, कहाँ इंटीग्रेशन। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ अब वक्त आ गया है कि हम क्या करें, इंटीग्रेट। तो जब भी देखो इधर डी समथिंग इधर डी समथिंग मिले, तो हमको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। ये क्या आपको समझ में आएगा, आगे चल के भी अगर कभी ऐसा आया तो बोलो ना। चलो ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि दोनों साइड सांप छोड़ दिया जाए, मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया जाए। अब अगला काम कौन बताएगा क्या है, देखिए आप ही से पूछ के मैं लिखूंगा, आप जो बोलिएगा। अगला काम क्या है, इंटीग्रेट किया जाए, नहीं 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 नहीं, अगला काम है लिमिट रखा जाए। लिमिट किसके आधार पे रखा जाता है, वेरिएबल के आधार पे। इधर वेरिएबल कौन है, टाइम है, तो देखेंगे टाइम शुरू में कितना था, जीरो, बाद में कितना हो गया, तो ये जाएगा फ्रॉम जीरो टू। यहाँ वेरिएबल कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट एकदम शुरू में कितना था, अभी जस्ट स्विच ऑन किए हो तो अभी थोड़े कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो समय के साथ ना होगा, तो एकदम शुरू शुरू में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन टी इज इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, डीएस का इंटीग्रेशन कितना, देखिए आप बोल नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हमने एस लिखा, ब्रैकेट में डाल दूं क्या, जीरो और एस लिख दूं क्या, बराबर तो बराबर है। अब आप बताइए यू प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना है, तो बस मैथ्स वाले लोग यूज करते हैं एक्स। मैथ्स का ये सवाल होता है तो इट शुड बी समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 4x इंटू क्या dx होता है, अरे बोलो ना, ऐसा होता है। लेकिन फिजिक्स में x की जगह यूज होता है टाइम। मैथ्स वाले लोग अपने x को वैल्यू देते होंगे, हम लोग किसको वैल्यू देते हैं, हम समय को वैल्यू देते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताइए इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे होगा, 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 × x होगा, ये आता है, कोई कांस्टेंट अकेला मिल जाए बगल में, ये वाला वेरिएबल लगा देते हैं कि नहीं, तो 3x हो जाएगा प्लस 4x2। अरे ऐसा ही ना होगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास x वेरिएबल ना होकर t वेरिएबल है, तो कौन बताएगा u का इंटीग्रेशन कितना होगा, ux। अगर यहाँ x होता तो बिल्कुल हम यहाँ x लिखते, लेकिन यहाँ t है तो हम यहाँ, अच्छा प्लस कह रहे हो लिखने के लिए, फिर कह रहे हो सर ए को छाप दीजिए, क्योंकि ए तो
कॉन्स्टेंट है, सॉरी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, ये बोल रहे हो? सही तो बोल रहे हो तुम। उसके बाद बताओ कहाँ से कहाँ जाओगे? जीरो से टी जाओगे, ये समझ में आया? बहुत अच्छा। अब तुम बताओ एस की जगह पे पहले किसको रखा जाए? ऊपर वाले को, याद आ रहा है ना? फिर माइनस का साइन देखें नीचे वाले को। अब तुम इधर बताओ, जहां जहां टी है वहां वहां टी रखें, टी की जगह टी रखेंगे तो वही ना रह जाएगा? आप समझे नहीं? तो बताइए ना, जहां जहां टी है वहां टी रखना है, तो मिला जुला के यूटी या प्लस, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ ए टी स्क्वायर बाई टू है, लेकिन हाफ ए टी स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। अब माइनस का साइन दिया जाए, जहां जहां टी है उसकी जगह पे जीरो रखें। अरे भाई, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी पूरा जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी, अरे तो मिला जुला के माइनस जीरो। तो माइनस जीरो का मतलब हुआ ये बन गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए ये आपको किसी की याद दिला रहा है क्या? किसकी याद दिला रहा है? सेकंड वाले की। हाँ मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बता दिए ठीक। एस बराबर यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी देखो प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो रहा है? क्या इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो फॉर्म ही डिफरेंशिएशन वाला था, ये तो फॉर्म ही, बाकी फिर आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ा है कि नहीं? लेकिन अब एक छूट गया कि नहीं छूट गया बताइए, कौन सा वाला? किसी को याद हो? हाथ उठा, कितने लोग याद हो? तीसरा वाला भी एक था, याद नहीं भैया घबराना मत, आगे पढ़ना है हम लोगों को ये सब। कितने लोगों को याद है? बोलो, तुम बोलो, हाथ गिरा दो, बोलो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए आर। हाँ अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए आर, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसको प्रूफ करना है। लेकिन यार एक बात बताओ, उसमें तो टाइम है ही नहीं, आप जो फॉर्मूला बता वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या, इसमें कहीं टाइम है क्या बाबू? टाइम तो नहीं है, तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जिसमें टाइम नहीं है। उसमें भी होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोगों ने जो अपना पहला स्टेटमेंट लिखा था, उसी स्टेटमेंट में क्या आ गया था? टाइम आया था। फिर इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने से तो पावर और बढ़ता है। ओ माय गॉड, एक बार इंटीग्रेट किए तो टी का पावर कितना आया, अभी एक बार और इंटीग्रेट किए तो टी का पावर टू आया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे अगर जोगाड़ लगा के तो टी का पावर थ्री आ जाएगा। बोलो ना, यानी एक चीज तो हमको समझ में आया कि यार इंटीग्रेशन से तो ये होने वाला है नहीं, कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। तो उपाय में मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं यही से टी को गायब कर दूँ, यहाँ से मैं क्या करूँ, टी को गायब करूँ। मैं कैसे गायब करूँ टी को? तो रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? डी वी बाई डी टी। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, सोचने के बाद लगा कि अगर इसको ऊपर नीचे डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, बोलते हो क्या किया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डी वी को भेज दिया जाए इधर और डी एस को भेज दिया जाए इधर, तो ये बन जाएगा डी एस बाई डी टी इन टू डी वी बाई डी एस, और ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम ये बात जानते हैं कि हम किसी भी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए, हमने किया कि डीएस से मल्टीप्लाई कर दो, डीएस से डिवाइड कर दो, फिर इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं ना रे बाबू? ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम ही ना होता है? अब तुम बताओ डीएस बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? कहाँ सब लोग बोल रहे हैं? वेलोसिटी होता है। इसका मतलब हम इसकी जगह पे भी रख सकते हैं, और ये हो गया डी वी बाई डी एस। देखो तो मैंने टाइम गायब कर दिया कि नहीं? अरे गायब कर दिया, हाँ तो गायब तो कर दिया, लेकिन अब बताओ क्या किया जाए, क्या तुम लोग जो बोलोगे देखो वही वही होगा। डीएस को
उधर भेजा जाए, तो डीएस को उधर भेज दोगे क्योंकि तुम ये कहना चाह रहे होगे कि सर यहाँ वेरिएबल जो है वो वी है और एस है, सही बात है। जैसे जैसे समय बदलता है वेलोसिटी भी बदलता है और डिस्प्लेसमेंट भी बदलता है, तो सब वी को एक साथ रखिए और सब एस को एक साथ भेजिए, तो इनको इधर भेज दिया जाए, तो इधर में बचेगा वी इंटू क्या डी वी, ये पच गया। अरे इस साइड में वी इंटू डी वी ना बचेगा, तो है भले इस साइड में, मैं लेकिन लिख रहा हूँ उस साइड में, और ये ए इंटू कितना होगा, अभी क्या करने का मन कर रहा है बोल दो। चलिए इंटीग्रेट किया जाए, सांप छोड़ा जाए। हाँ, अब अगला स्टेप शुड बी टू पुट दी लिमिट, लिमिट पुट किया जाए। हाँ, कौन है इधर वेरिएबल, एस है, तो लिमिट एस के आधार पर रखोगे। तुम लोग अपने से ना बना रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ पूछ के लिख रहा हूँ, हमको ये सब कहाँ आता है बताओ, कहाँ से लेकर कहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितना था, डिस्प्लेसमेंट शुरू में जीरो ही ना था, यहाँ पे अभी कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़े हुआ, आगे बढ़ेगा तब ना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जीरो, अब बाद में एकदम एस हो गया है डिस्प्लेसमेंट। शुरू में वेलोसिटी कितना था, मार डालेंगे, शुरू में वेलोसिटी जीरो था, जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया उस समय पार्टिकल मूव कर रहा था। अरे बोलो यार, ऐसा थोड़े होता है, जब स्टॉप वॉच ऑन करते हो तो दुनिया में मोशन शुरू होता है, पूरा धरती सूरज चांद सितारे सब रुके हुए हैं, और तुम जब स्टॉप वॉच ऑन करोगे तो सबका मोशन शुरू होगा, ऐसा थोड़े होता है। स्टॉप वॉच ऑन करने का मतलब हुआ कि तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, पार्टिकल पहले से मूव कर रहा होगा अपना। तो बताओ बच्चों, फिर से बताओ, शुरू शुरू में इनिशियल सिचुएशन में वेलोसिटी कितनी थी, और फाइनल सिचुएशन में वी हो गई। अरे बोलो जल्दी, तुम बताओ वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना, हम घूम गए तुम लोग पूरा एकदम, सब लोग परलोक याद आ गया। वी डी बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी स्क्वायर बाय टू होगा। अरे एकदम होगा रे भाई, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर वन है ना, है तो पावर में वन ऐड होता है, उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा बताओ क्या, वी स्क्वायर बाय टू, डाल दिया जाए ब्रैकेट में, यू से लेके वी तक चला जाए। अब आप बताइए ए ए क्या है, सब लोग बोल रहा है, हाँ ए कांस्टेंट है, क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, अंदर में क्या बचेगा डी एस, सुन रहे हो, डी एस का इंटीग्रेशन कितना, क्या बात है, जीरो से लेके कहाँ तक, एस तक जाया जाए। अब देखो बाबू, ऐसा है कहानी कि आप चाहें तो वन बाई टू को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर में वी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ ए क्या होगा, एस माइनस जीरो, तो मिला जुला के ए एस ही ना होगा, और इस टू को भी भेज दो तब इधर ही, नहीं समझ रहे, अरे इस टू को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, तो इधर आके ये क्या बन गया टू ए एस। अब एक बार भी की जगह ऊपर वाला रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस, भी की जगह नीचे वाला रखेंगे तो यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, या फिर अगर आप इस यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस टू ए एस, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मजाक मजाक में प्रूफ कर दिया कि ये कहां से आता है, बोलिए नहीं समझ में आया। हाँ, तो इस तरीके से फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन घुसा हुआ है, एक एक डेरिवेशन में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलेगा, आप समझ रहे हैं, यानी बिना इसके गुजारा होने वाला नहीं है। तो ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ दोबारा आपको समझना होगा, क्योंकि ये सब मैंने आप ही से ना पूछ पूछ के लिखा है, क्लियर है, अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन की। सुनिए, बात करेंगे हम यूज ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है, कि आखिर फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है। फिजिक्स में हम हमेशा इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करेंगे, और वो चीज है चीजों को जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ चीजों को जोड़ना, फिर से बोलो, जोड़ना, चीजों को जोड़ना। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, राष्ट्रीय एकीकरण,
जा, जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग अगर किसी चीज पर एकदम एकमत हो जाएं, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्या हो गया है, नेशनल। जैसे आदि पुरुष मूवी जो आया है, देख लिया आप लोग? तो लगभग किसी से भी पूछा जा रहा है तो सब लोग कह रहे हैं कि वो अच्छी मूवी नहीं है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो, सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर पूरे देश का क्या हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया, सब लोग मिलके एक हो गए, है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है चीजों को जोड़ना। अब सवाल है कि हमने बचपन से मैथ्स में चीजों को जोड़ना ही सीख, बचपन से हमने मैथ्स में चीजों को जोड़ना घटाना सीखा है, और सबसे ज्यादा अगर हम मैथ्स में कुछ यूज किए होंगे तो वो क्या है, जोड़ना ही। घटाने से भी ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, जोड़ने को। घटाना तो कभी कभी होता है, लेकिन सर आज तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन का नाम नहीं सुना है। आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है चीजों को जोड़ने के लिए, पहले भी सुनना चाहिए, तो क्यों नहीं सुना है, सुनिएगा। इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए, सारी क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए नहीं, किसको जोड़ने के लिए, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। हाँ, अगर तुमको फाइनाइट क्वांटिटीज को जोड़ना है, जैसे मान लो कि तुमको 4+5+6+7+8 ये सबको जोड़ना है, तो ये सब इनफाइनाइटली स्मॉल है कि फाइनाइट है। इन चीजों को जोड़ने के लिए यूज होता है सिग्मा का, और बिल्कुल ये तुमने देखा है 10th क्लास में, इवन हमको लग रहा है 9th क्लास में भी था क्या, लास्ट में याद है, साइन का यूज हम लोग जोड़ने के लिए करते थे कि नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ते थे, बारंबारता जो आपने पढ़ा होगा, उसमें नहीं आता था। तो इस साइन का भी यूज होता है जोड़ने के लिए, लेकिन इस साइन का हम यूज करते हैं किन चीजों को जोड़ने के लिए, फाइनाइट क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको 0.00000000 इनफाइनाइट टाइम 0 फिर 1 प्लस 0.00000 इनफाइनाइट टाइम 0 फिर 2 प्लस 0.00, तुम समझ रहे हो, ऐसी चीजों को कभी अगर जोड़ना पड़ जाए, और बिल्कुल अब जोड़ना पड़ेगा ही आपको 11th-12th के फिजिक्स में, तो हम सिग्मा ना यूज करके वी विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो बस मेरी एक बात याद रखो, और इसी एक बात की याद के साथ कल हम लोग मिलेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, बस एक ही चीज के लिए यूज होता है, और वो चीज क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं।